हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं, आपका भी जुलाई मासिक एग्जाम होने वाला था, लेकर आ चुका संस्कृत का बिल्कुल रियल प्रश्न। 105 विषय कोड होने वाला है, 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है, समय मिलने वाला है आपका 1 घंटा 30 मिनट का। क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का यह पेपर होने वाला है, मासिक परीक्षा जुलाई 2024 का, ठीक है। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिससे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप SMS करके बोलिए कि हमको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में फ्री में ज्वाइन होना है, तो आपको फ्री में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई हमारे चैनल पर पेड सर्विस नहीं अवेलेबल है, आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाया जाता है बिहार बोर्ड के छात्रों को, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका एक नंबर क्वेश्चन जो है ना, वह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन दिया, 30 में से किन्हीं 25 क्वेश्चन के ही आपको जवाब देने हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन, ये करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, ठीक है। संपदायक चतुर्थी, संधात्मक कर्म, ठीक है, कर्मक दिया है और ये यहाँ पर दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संप्रदान चतुर्थी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, ठीक है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, देखिए संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो ये 7 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संबंध का के की, ठीक है, ऐसा होता है। संबोधन के लिए कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन के लिए कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए संबोधन के लिए कौन सी विभक्ति, तो ये 5वीं विभक्ति होती है, ठीक है। संबोधन के लिए हे अरे होता है, ठीक है, हे आदि अरे होता है, ठीक है, अलग किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए 5वीं विभक्ति होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो यहाँ पर गलत बता दिए, 7 नहीं 5 ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5वीं होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, किस पद का प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय किसका होता है, तो देखिए अव्यय में यथाशक्ति दिया रहता है, और यथाशक्ति किस में दिया था, अव्यय भाव में दिया था। अव्यय भाव कहाँ दिया, और देखिए अव्यय प्रथम पद अव्यय होता है, किस में होता है, तो देखिए तत्पुरुष में होता है, तत्पुरुष कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, पंचना वटना समहार का समस्त पद कौन सा है, तो पंचवटी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे हैं, द्वि के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, तो ये तृतीय होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अहिनिर्सम किस समास का उदाहरण है, अहिनिर्सम किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्यय भाव का है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वृथा अव्यय का अर्थ है, वृथा अव्यय का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ओर, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, जना एकत्र भाववंती वसंती, ठीक है, ये पद दिया है, इसका मतलब चिन्ह पूछ रहा है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, ठीक है, कस्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, गयंती देवा कली गतिकानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से संकलित है, तो देखिए ये भगवत पुराण से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डॉट गुरु अस्थि, तो किसमें हो जाएगा राइट आंसर, प्रथम, सतम, नवम या दसम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दसम हो जाएगा, और दसम कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पद में कौन से स्त्री प्रत्यय है, देखिए जो प्रत्यय होता है ना वो बाद में आता है, और इस उपसर्ग आता है वो पहले, लेकिन ये हिंदी में होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे शक्ति प्लस मतुप से कौन सा शब्द बनेगा, तो किसमें बनेगा, तो देखिए शक्तिमान बनेगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शक्ति प्लस मतुप, तो शक्तिमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, किस पद में लयुट प्रत्यय है, तो किसमें लयुट प्रत्यय है, देखिए पठन में है, ठीक है, पठन कहाँ दिया, ऑप्शन डी में दिया है, और पठन में लयुट प्रत्यय है। पृच्छति में कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु, तो प्रच होता है, प्रच, प्रच कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर प्रच कहाँ दिया है, प्रच ऑप्शन नंबर ए में दिया, और ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, मित्र मानते हैं, गुण मानते हैं, अवगुण या शत्रु मानते हैं? ठीक है, मित्र तो कोई मानेगा नहीं आलस्य को, ठीक है, गुण भी नहीं मानेगा, ठीक है, अवगुण भी नहीं मानेगा, इसको शत्रु मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शत्रु। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो ये मिथिला का मंत्री था। ठीक है, मिथिला, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अहोकमथ्य कोलाहल किसकी युक्ति है, किसकी युक्ति है, तो प्रथम आलस्य की, ठीक है, प्रथम आलस्य की युक्ति है। अहो कथम कोलाहल, मतलब कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है, जो बोलेगा वही मतलब कुछ काम करने जाएगा, ठीक है, तो ये किसकी युक्ति है, प्रथम की युक्ति है। बालकाना डॉट, ठीक है, धावती या फिर गति, ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बालकाना जननी गति। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, तीव्रतरम में कौन सी तदित प्रत्यय है, तो तमप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने मंत्र हैं, तो पांच मंत्र है, पंच है, ठीक है, कहीं पांच लिखा रहता है, कहीं पंच लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अनेक से एक शब्द पद में संक्षिप्त क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये देखिए, अनेक एक से अधिक पदों में संक्षिप्त क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पंक्ति कहलाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे रविंद्र का संधि विच्छेद, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, रवि धन इंद्र होता है, ठीक है, रवि धन इंद्र क्या होती है, तो देखिए रवि धन इंद्र, ठीक है, तो रवि धन इंद्र, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, दीर्घई में दिए, क्योंकि हर्षई दीर्घई में बदल सकता है, लेकिन दीर्घई हर्षई में नहीं बदल सकता, ठीक है, ये रवि धन इंद्र भी नहीं होगा, रवि धन बड़ा इति है, तो ये भी नहीं होगा, रवि धन इंद्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ई और ये ई जुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझा देना, देखिए यहाँ पर हर्षई दिया है, ठीक है, ये हर्षई दिया है, वी और प्लस ई दिया है, तो जब इसको बदलिएगा ना, तो ये वी ना इधर आ जाएगा, ठीक है, वी इधर आ जाएगा, तो रविंद्र हो जाएगा। पटनेति में कुल कितना संधि है, कितना है, मतलब पटनेति में कौन सी संधि है, तो व्यंजन है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ई धन अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, ई धन ए के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, अया बन जाएगा, ठीक है, अया बन जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दस अनानामी यस्य तस्य का समस्त पद होगा, तो दशानन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनाम में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अन हो जाएगा। चलिए आगे है, राज्ञ राजन शब्द में कौन किस विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो क्या हो जाएगा, पीबती हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, व्हाट्सएप और वीडियो को लाइक कर दिया। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर देखिए 6210-82403 पर आप SMS करके हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी को बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।